चार फोल्डिंग में कपड़ा है हमारे पास। तो पहले इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। ये देखिए कुर्ता की लंबाई है हमारी 36.5 इंच, सीना है 38 इंच, कमर है 33 इंच, हिप साइज है 40 इंच, आस्तीन की लंबाई है 16 इंच और आस्तीन की मोरी रखनी है हमें 11.5 इंच। आगे का गला रखना है 6.5 इंच और पीछे का रखना है हमें 4 इंच। इसमें गोल गला बनाएंगे हम और सलवार की लंबाई है हमारी 39 इंच और हिप साइज है वही 40 इंच और मोहरी रखनी है हमें 13.5 इंच। तो हम कपड़े में से पहले कुर्ते को कट करेंगे, तो उसके लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2.25 मीटर कपड़े को अलग कर लिया है और ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, ये देखिए, और इसे एक और बार फोल्ड कर दिया है हमने, तो इसे 4 फोल्ड में ले लिया है हमने कपड़े को। और ये वाला कपड़ा है ये हमने स्लीव्स के लिए रखा हुआ है, तो 2.25 मीटर कपड़ा कट किया है हमने 5 मीटर में से, क्योंकि हमारा जितना भी कपड़ा बच रहा है उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा घेर की सलवार निकालेंगे, तो हम इसे आज ही में निकालने वाले हैं कुर्ते को। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 इंच तो हम नीचे छोड़ेंगे, ये हमारी फोल्डिंग में जाएगा, क्योंकि पटियाला जो सूट होता है उसमें हमें चौड़ी फोल्डिंग अच्छी लगती है, तो 2 इंच तो हम नीचे से छोड़ देंगे। और हमारी सूट की लंबाई है 36.5 इंच, तो हम 37 इंच ले लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से जाएगा सिलाई में। और इसका गला हमारा छोटा है, पीछे का 4 इंच का गला है, तो हम शोल्डर लेंगे इसके 7.5 इंच। आर्म होल भी 7.5 इंच लेंगे हम, एक मार्किंग है 11 इंच पर करेंगे, 14.5 इंच पर, ये कमर के लिए रहेगी, ये चेस्ट के लिए मार्किंग है, और 21 इंच पर हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। अभी निशानों को मिला देंगे। यहाँ से अब हम आर्म होल लेंगे, ये भी 7.5 इंच पर लेंगे हम। अब हम 1/2 इंच अंदर तक जाएंगे, ये फ्रंट के लिए, यहाँ से हमारी फ्रंट की शेप जाएगी और यहाँ से हमारी बैक की शेप जाएगी। अब चेस्ट का 4th पार्ट ले लेते हैं। चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो उसका 4th भाग होगा 9.5 इंच, 1.5 इंच की यहाँ पर लोजिंग के लिए मार्किंग दे देंगे, यहाँ भी 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर है हमारी 33 इंच, तो यहाँ लेंगे हम 8.25 इंच और 1.5 इंच की यहाँ एक्स्ट्रा लोजिंग के लिए मार्किंग कर देंगे। हिप साइज है हमारा 40 इंच, तो यहाँ 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये लूजिंग के साथ नाप लिए हुए हैं हमने, हमें स्ट्रेट रखना है ये घेरा, तो यहाँ पर भी हम 10 इंच की मार्किंग करेंगे और 1 इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी मार्किंगों को मिला देंगे। यहाँ से गुलाई दे देंगे इसमें, इस तरह से 1 इंच स्ट्रेट निशान बनाएंगे, उसके बाद इस तरह से ही होगा। अब यहाँ पर हमें शेप देनी है, तो पहले हम फ्रंट की शेप देंगे यहाँ, ये देखिए हमने फ्रंट की शेप दे दी। अब यहाँ से हम हमारी बैक की शेप देंगे और यहाँ हमें शोल्डर को डाउन करना है, क्योंकि ये बंद गला है हमारा, तो इसे 1/4 इंच तक डाउन कर देंगे हम इस तरह से। अब हम पहले बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे इसकी, उसके बाद हम यहाँ फ्रंट में शेप देंगे। तो पहले हम बैक के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने बैक के हिसाब से कटिंग कर ली है, अब हम इन पार्टों को अलग हटा लेते हैं। तो इसमें से बैक पार्ट हटा देंगे हम और फ्रंट पार्ट को हम ले लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम गले की मार्किंग करेंगे, गले की गहराई रखनी है हमें 6.5 इंच, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच की, ऊपर से भी 3 इंच की चौड़ाई लेंगे हम।
हमारे फ्रंट और बैक पार्ट हो गए हैं। ये हमने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है स्लीव्स के लिए। हमने नीचे एक इंच पर मार्किंग कर दी है, ये हमने फोल्डिंग के लिए करी है। स्लीव्स को फोल्ड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई का मार्क करेंगे। स्लीव्स है हमारी 16 इंच की, तो हम 16.5 पर मार्क करेंगे क्योंकि हमें यहाँ आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हम यहाँ से कैप हाइट लेंगे, ये लेंगे हम 3.5 से 4.25 इंच के बीच में ले सकते हो। मैं 4.25 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से हम सीने का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, उसमें 1 इंच कम कर देंगे यानी 8.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच में हमारा यहाँ मार्जिन आ जाएगा। अब इसे एक तिरछी लाइन से मिला देंगे, यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, आधा इंच ऊपर जाएंगे सेंटर से और यहाँ हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से शेप दे देंगे और यहाँ फ्रंट के लिए शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी बैक की शेप हो गई और ये हमारी फ्रंट की शेप हो गई। अब यहाँ से मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारी 11.5 इंच, 4.5 इंच पर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इन लाइनों को मिला देंगे हम। सलवार की कटिंग करेंगे, इसके लिए हमने कपड़े को फोर फोल्ड करके रखा है। इधर ये ओपन साइड है। अब हम 5 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए कम करेंगे और 39 इंच की हमारी सलवार की लंबाई है, तो यहाँ 39 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। मोरी के लिए लगाएंगे हम, मोरी हमारी 13.5 इंच की, तो उसका हाफ होगा 7.5 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए इस तरह से हम थोड़ा सा तिरछा निशान लगा देंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे पोंछों को। तो पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी कपड़ा बचेगा हमारा उसमें से हम कलियों को कट कर लेंगे। अब हम हमारी बेल्ट कट करेंगे, तो उसके लिए हमने कपड़ा अलग कर लिया है। इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे, गले की पट्टियां निकाल लेंगे और नीचे जो पौंचे बनने हैं, तो मोहरी के लिए भी कपड़ा हमारा इसी में से बच जाएगा। तो ये देखिए, बेल्ट की लंबाई लेनी है हमें 9 इंच। और इसकी चौड़ाई लेंगे हम डबल में 24 इंच। ये हम हिप में 8 इंच जोड़ के सिल लेते हैं, तो हिप है हमारा 40 इंच, उसमें 8 इंच जोड़ेंगे तो 48 इंच हो जाएगा, उसका हाफ होगा हमारा 24 इंच, तो हम 24 इंच की बेल्ट कट करेंगे। इसमें हमारी 5 इंच की बेल्ट हमें तैयार मिलेगी। इसमें हमने मार्जिन, बेल्ट की फोल्डिंग सब ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। अब हम हमारी कलियों की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें से बचे हुए कपड़े में से कली कट करेंगे। तो ये हमने साइड के पार्ट रख लिए हैं, वहाँ से लंबाई का निशान लगा लिया है यहाँ पर, और ये जो ऊपर कपड़ा बच रहा है इसमें से हम 9.5 इंच आसन के लिए ले लेंगे। एक मार्किंग हमारी ये है, ये कली के लिए तिरछी मिलेगी, यहाँ पर एक मार्किंग ये है, ये देखिए। अब इस मार्किंग को यहाँ हम आसन के लिए 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 5 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो अब इससे हम जो पार्ट वाला निशान है हमारा उसे मिलाएंगे। अब ये देखिए, इस मार्किंग से और हमने वो वाली मार्किंग मिला दी है इस तरह से। अब ये हमारी कली कट हो जाएंगी, दो कली हमारी ये कट हो जाएंगी, फिर इन्हें रखते हुए इसमें से भी हम दो कली कट कर लेंगे। तो हम कलियों को कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दो कलियों को रखते हुए बाकी दोनों कलियों को भी कट कर लिया है। अभी हमारे पास 4 कली हो गई है, दो हमारे ये पार्ट हो गए हैं, दो बेल्ट के पार्ट हो गए हैं आगे पीछे के। अब हम इसमें से मोहरी के लिए कपड़ा कट करेंगे। मोहरी के लिए कपड़ा कट करेंगे, जो मोहरी फोल्ड करनी है हमें, तो इसके लिए हम चौड़ी वाली मोहरी बनाने वाले हैं। 3.5 इंच की मोहरी बनाएंगे, तो 4.5 इंच की चौड़ाई में हमें कपड़ा लेना है और इसकी लंबाई लेनी है हमें 13 इंच की। तो हमारी मोहरी है 13.5 इंच की, उसका 13.5 इंच में 4 इंच हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 17.5 इंच।
ये हमारी दोनों मोहरियों के लिए कपड़ा कट हो गया है। अब इसमें से हम गले की पट्टी निकाल लेंगे हमारी। अब हम यहाँ हमारी गले की पट्टियाँ कट करेंगे, तो ये हमारा बैक गले का जो पार्ट निकला था इसे इस तरह से रख देंगे और ये मार्किंग कर दिया है। अब हम एक एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक इंच डेढ़ इंच जितनी भी आप अंदर फोल्डिंग में पट्टी रखना चाहते हैं उतनी चौड़ी पट्टियाँ कट कर लें। आप मैं यहाँ एक एक इंच की पट्टियाँ कट कर रही हूँ, तो इस तरह से हम एक एक इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये हमारी बैक गले की पट्टी कट हो गई है। अब हम इसी तरह से हमारी फ्रंट गले की पट्टी कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के गले की पट्टी भी कट हो गई है। अब हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए हम कुर्ते के गले को तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसके लिए हमने जो पट्टियाँ कट करके रखी हुई थी वो ले लेंगे और इस तरह से इन पर सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, ये देखिए, और एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से रखते हुए और एक एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक गले पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पर हमने इस तरह से पट्टी लगा दी है। अब पट्टी लगाने के बाद एक यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा दिया किनारे किनारे पर अंदर की पट्टी पर। इसी तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों पर पट्टियाँ लगा ली हैं और हमने फ्रंट पार्ट को फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दी है, हम इसमें बाद में तुरपाई करेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पट्टी को फोल्ड करके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर शोल्डर्स को जॉइंट कर लेते हैं, फिर इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे बैक पार्ट की को। देखिए, ये हमारी गले की फिनिशिंग हो गई है। यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम हमारी स्लीव्स को ले लेंगे और इन्हें डबल फोल्ड कर लेंगे। एक बार इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और उसके बाद एक और बार फोल्डिंग कर लेंगे, तो इस तरह से स्लीव्स की भी फोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स की फोल्डिंग हो गई है। अब हम हमारे कुर्ते में अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो जो हमने फ्रंट की छटाई दी थी इसे हम फ्रंट में अटैच करेंगे और जो बैक वाला पार्ट है इसे बैक में करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सेंटर को मिला के रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये देखिए, हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आ रही है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं, स्लीव को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम सूट को उल्टा करेंगे और ये हमारी जो फिटिंग की मार्किंग है डेढ़ डेढ़ इंच पर, तो यहाँ स्लीव्स से शुरू करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हमारी जो मार्किंग है यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे बराबर करते हुए दोनों पार्टों को। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम नीचे के चौक फोल्ड करेंगे, तो सब नीचे के घेरे को फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे, तो हम आगे और पीछे दोनों पर्दों को इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। नीचे के घेरे को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर चौकों को फोल्ड करेंगे, तो इनके लिए ये देखिए इस तरह से फोल्डिंग करेंगे एक बार और फिर इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। इस तरह यहाँ तक फोल्डिंग देते हुए, ये देखिए इस तरह से यहाँ तक फोल्डिंग लगाते हुए फिर इसे भी पीछे यहाँ से सिलाई लेंगे इस तरह से और इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं और चॉक्स तैयार कर लेते हैं इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चॉक फोल्ड हो गए हैं। इस तरह से कुर्ता हमारा कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए, ये इसका गला हो गया, ये इसके नीचे की लुकिंग हो गई। अब हम सलवार को तैयार करते हैं। ये सलवार के लिए सबसे पहले हमने हमारी बेल्ट को लिया है, तो बेल्ट पर हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई है, उसके बाद इसे इस तरह से पलट लिया है। ये देखिए, छोटी छोटी सी फोल्डिंग दे दी है, इसमें से हमारा नारा पास होगा। तो इसी तरह से हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। अब हम हमारी कलियों को लेंगे, तो सबसे पहले जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा उसे लेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, इसके दोनों तरफ हम कलियों को अटैच करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये जो तिरछी छटाई दी हुई है हमारी, ये नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, हम कलियों को अटैच कर लेंगे। ये जो हमारा आसन का पार्ट है ये इधर आएगा। इसी तरह से हम इधर और इधर दोनों तरफ कलियों को अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कलियाँ अटैच हो गई हैं। एक कली इधर अटैच कर दी हमने और एक कली इधर अटैच कर दी है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए ये देखिए, हमने ये 4 इंच चौड़ा जो कपड़ा लिया था इसे इस तरह से रख देंगे और एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। उसके फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने एक पैर के मार्जिन से यहाँ सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे इस तरह से रखना है, ये जो नीचे वाला मार्जिन था इसके ऊपर रखेंगे हम फॉर्म को। ये देखिए इस तरह से, और इसे इसके ऊपर रखते हुए यहाँ बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे फॉर्म के ऊपर इस तरह से पलट देंगे और एक एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ। फिर इसे अंदर की तरफ पलट के यहाँ पर आपको जितनी भी सिलाइयाँ चाहिए वह मोहरी के लिए डिज़ाइन बनाते जाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, से हमारी मोहरी तैयार हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे।
अब हम आसनों को ज्वाइंट करेंगे। तो एक तरफ के आसन को हम अभी ज्वाइंट कर लेंगे और दूसरी तरफ का जो आसन है हमारा वो हम प्लेट्स डालने के बाद ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए एक तरफ का आसन हम यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं, यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे इसे। ये देखिए ये हमने हमारे आसन को जोड़ लिया है। अब हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे, ये जो खुला हुआ नारे निकलने वाला हिस्सा है हमारा ये इधर रहेगा और यहाँ से इसे अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें 2 इंच की प्लेट डालनी है, इस तरह से 2 इंच की प्लेट डालेंगे हम। अब यहाँ से इसे अटैच करना शुरू करेंगे और हमारी बेल्ट है इसके हमने 4 बराबर भाग कर लिए हैं, ये निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक हम इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम क्रॉचेट की तरफ प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे, जितना भी कपड़ा बच रहा है हमारा। तो ये जो हमारा सेंटर का जॉइंट आ रहा है इसमें प्लेट्स डालते हुए इस कपड़े में हमें सेंटर के जॉइंट तक मिला देना है। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स आएंगी, यहाँ तक हमें इसमें प्लेट डाल देनी है। इसी तरह से हम बाकी पार्ट को भी तैयार कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने सलवार पर प्लेट्स डालनी है। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई को ऊपर की तरफ करते हुए एक प्रेस स्टिच लगा देंगे इस पर और इस पर प्रेस लगा लेंगे। देखिए इन सभी प्लेट्स को हमने प्रेस से बैठा लिया है। अब हम हमारा जो दूसरा आसन है इसे भी ज्वाइंट कर लेंगे, जो क्रॉचेट एरिया है हमारा दूसरी तरफ का इसे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे हम। ये देखिए पीछे से भी हमने क्रॉचेट एरिया को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें नारा डालने के लिए फोल्डिंग करेंगे, तो इस तरह से 1/2 इंच पहले हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर 1 से 1.5 इंच इस तरह से नेफा बना लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो इसी तरह से हम नेफे को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे नेफा तैयार हो गया है। अब हम नीचे मोहरी की सिलाई लगाएंगे, जो पौचे की सिलाई होती है हमारी। ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे हम क्रॉचेट का और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे इस तरह से। नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम मोहरी नापेंगे हमारी, मोहरी है हमारी 13.5 इंच, तो उसका 1/2 होगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया। अब इसे तिरछा मिला देंगे यहाँ, ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे इसे। और इस पर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह लगाते हुए यहाँ सेंटर में लेके आएंगे और यहाँ से पूरे में सिलाई लगाते हुए यहाँ दूसरी मोहरी तक ले आएंगे। यहाँ पर भी हमें मार्क करना है 7.25 इंच का। इसे भी तिरछा मिला देंगे यहाँ कम करते हुए इस तरह से। कम होता जाएगा इस तरह से ये, और इसे कम करते हुए यहाँ 1/2 इंची का मार्जिन रह जाएगा हमारा। इस तरह से इस पर पूरे पे सिलाई लगा लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने सिलाई लगा लिया गुलाई में पूरे में। अब हमें यहाँ से एक ब्लांड लेना है, इस तरह से एक ब्लांड लेंगे हम और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ से फिर हम मार्किंग करेंगे एक ब्लांड पर। इसी तरह से हम 3 से 4 निशान लगाएंगे। ये देखिए अब इन पर हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अब आप सोचेंगे कि हम ये निशान क्यों लगा रहे हैं, ये अभी बताते हैं हम आपके लिए। अब ये देखिए हमारा ये घेर है, तो इसमें घेर ज़्यादा है तो कितना लंबा जा रहा है, अभी हमारा पैरों के नीचे आएगा और फिर पटियाला की शेप भी नहीं आएगी इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हम जब सिलाई लगाते हुए जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो हमें एक प्लेट इस तरह से दे देनी है। ये देखिए यहाँ से इस तरह उठाएंगे और एक प्लेट इस तरह दे देंगे। सारे हमने जितने भी निशान लगाए हैं इन पर हम इसी तरह प्लेट्स दे देंगे। ये देखिए 3 से 4 प्लेट आ जाएंगी हमारी। तो पहले हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए प्लेट दे लेते हैं ये दोनों साइड, फिर इसे आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने 4 जगह छोटी छोटी सी इस तरह से प्लेट्स डाल दी हैं, ये 1, 2, 3 और 4। लेकिन अगर फिर भी हमारा घेर ये लटकता है तो हम यहाँ छोटी छोटी और प्लेट्स भी डाल देंगे जगह जगह। लेकिन अभी हम यहाँ पर 4 ही प्लेट्स डाल रहे हैं। अब ये सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें हमें नारा डालना है। आप चाहें तो नारा, इलास्टिक, जो भी आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पटियाला सलवार भी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको इसका डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।